एक छोटा सा कट पीस दादा, बंबई वालों ने गाया क्या कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। हिला डाला आपका ये मामला सेटिंग का चल रहा 20 साल से। गीत कह रहा है कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना जाना कौन हो तुम। तो ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी ना पूछा। क्या बात मेरे भाई, कोई जोड़ नहीं तुम्हें। ये बउआ नहीं बाली है। कटपी सुनिएगा, बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ। क्या बात, सीटी हो रही भैया, थोड़ा सा देख लें। यहाँ जनता जनार्दन में भी बहुत लोग बैठे हैं और बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। आप लोग भी विद्वान हैं और उधर तो ज्ञानी जी है ही हैं। और क्या, सारा ज्ञान का भंडार है। और क्या, चंदिका सबसे बड़ा ज्ञानी। और क्या, जल्दी पहुंचेगा। मट्टी वाले आज इनको यही बांध दिया जाए, जाने ना दिया जाए। इसको किडनैप कर लेंगे आज, इनोवा गाड़ी। कटपीस सुनिएगा, मेरे कटपीस में एक छोटा सा प्रयोग है, मैं निवेदन कर रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। दादा ये मैंने किया नहीं है, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों से सुना है, और वो प्रयोग क्या है, क्या सुना है कि घी और शहद मिला खाने से मानव मृत बन जाता है। सुनिएगा, कहते घी और शहद को उसके अनुपात में मिलाकर खा लीजिए तो आदमी मर जाता है। हालांकि ये मैंने कभी किया नहीं है दादा, ना। और आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, घर जाकर कोशिश भी ना करना। चंदिका तुम भी ध्यान रखना, हो सकता है दिमाग में चले, क्रांति माला कह रही थी करके देखें होता है कि नहीं, नहीं तो अभी बीमार है वो खाली। भगवान करे आपको हमारी उम्र लग जाए। दादा को हमारी भी उम्र लग जाए, हमारी उम्र लग जाए दादा। अगर मेरे पास जितनी उम्र होती, मैं अगर मेरे सामने ईश्वर खड़ा होता तो मैं आपको दे देती। और क्या, और ये आप दिल से जानते हैं। और क्या, क्योंकि दुनिया में कुछ कलाकार ही ऐसे हैं जिनको मुझे कुछ भी कहने में बड़ा कष्ट होता है दादा, सत्य मानिए। और आप तो हम लोगों की जान हैं, लेकिन दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी चले नहीं देते। सीटी रोको भाई, सीटी। अच्छे बच्चे सीटी नहीं बजाते आजकल, मोबाइल बजाते हैं। प्रयोग सुनिएगा, कैसे के घी और शहद मिला खाने से मानव मृत बन जाता है, लेकिन के दूध दही शक्कर को मिला दो तो अमृत बन जाता है। अब पांचों को इकट्ठा करिए, घी शहद दूध दही शक्कर, तो पांचों को करे एक किया, के पांचों को सुनिएगा क्या बन जाता है। पांचों को कर एक किया तो पंचामृत बन जाता है। लेकिन अभी इससे भी अच्छी चीज क्या बन जाती है, क्या
के पांचों को कर एक किया तो पंचामृत बन जाता है। और यही पंचामृत यदि प्रभु जी को नहला के पियो तो चरणामृत बन जाता है। खंडगीत रहा छोटा सा और क्या। और आइए बहुत अच्छा सा कार्यक्रम लेकर आमंत्रित कर रही हूँ सम्मानीय दादा आपकी सेवा में आए। दिल हो तो तुम्हारी तरह से हो क्योंकि 19 तारीख का कार्यक्रम दिलदार क्रांति जी कैंसिल कर देंगी और उसमें अपने स्थान पर अपने मंडल की जगह पर हमारा मंडल लगा देंगी और क्रांति जी बैठ करके सुनेंगी और हम बैठे बैठे नोट गिनेंगे। क्या कहें क्रांति जी बिटिया हो काश जितनी आपकी कथनी है वो सत्य होती तो अच्छा होता लेकिन तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क हमने देखा। काश काश यहां तक सवाल है कि बार बार कह रही हो कि दादा आप हमारे लिए हमेशा दादा रहोगे तो क्रांति जी ये भी सत्य है बिल्कुल कि आप ये भी जानती हो कि लेडीज कलाकार तो बहुत कीर्तन क्षेत्र में आ गई हैं। हाँ। लेकिन ये दादा जितना आपको सम्मान देता है किसी दूसरी लेडीज को इतना सम्मान नहीं ना बिल्कुल बिटिया हो बिटिया रहो दाई न बोलो। इसके बावजूद बिल्कुल साफ सुथरा बोले मैंने क्रांति जी जिस मुद्दे को आपने उठा दिया वो आरोप मैंने आप पर नहीं लगाया था ना, ना। तो वो आरोप बेटी पर का स्पष्टीकरण आपका देने का फर्ज नहीं था ना। नहीं था लेकिन आप स्पष्टीकरण दे रही हैं टिप्पणी कर रही थी कि दादाजी आपने भी तो महमूदाबाद के कार्यक्रम में अचानक मना कर दिया था। क्रांति जी शायद आप समाज को यह संदेश देना चाह रही हो यह साबित करना चाह रही हो कि रतिराम कार्यक्रम बुक कर लेते हैं उसके बाद में जब समय आता है तारीख नजदीक आती है तो कैंसिल कर देते हैं। क्रांति जी दुनिया जानती है कि रतिराम ने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया नहीं किया। यहाँ का कार्यक्रम दिया वही मैंने कार्यक्रम दिया उसके बदले में चाहे कोई जितना पैसा दे या जितना प्रलोभन दे मैंने कभी उस प्रलोभन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपने एक ऐसा आरोप लगा दिया जैसे आप शायद ये कहना चाह रही हो कि दादा की तबीयत नहीं खराब थी दादा जानबूझ के उन्होंने इनकार किया। क्रांति जी बड़ा अफसोस है मुझे कि 7 तारीख का को मैंने आखिरी कार्यक्रम किया था और कलाकार के लिए माता सरस्वती भगवती से बढ़कर के तो कोई होता नहीं है और नर्मदेश्वर बाबा भी हैं। मैं दोनों को साक्षी मान के कह रहा हूं कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि कम से कम आप 8 दिन तो बिल्कुल एक भी कार्यक्रम नहीं करोगे और अगर ऐसे में कार्यक्रम करोगे तो अगर हालत आपकी बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तब मैंने मजबूरी में
कार्यक्रम मैंने चार पांच कार्यक्रम कम से कम कैंसिल किए और उसका भी आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं नहीं क्रांति जी, मुझे अफसोस है थोड़ा सा। चलिए जवाबी है, जो भी कहना चाह रही हैं आप कह लीजिए, लेकिन ठीक है जो कहना था कह दिया। नहीं मैंने वही बता रहा हूं। और चलिए छोड़िए, अब सवाल आ रहा है कटतीस का, मेरे जवाब दिया है ग्रंथी जी ने, कह रही थी जब तक ना मिले पति पत्नी का मन, त्योहार अधूरा रहता है ना? ना गलत ना। है क्रांति जी, तमाम जोड़े ऐसे हैं, तमाम पति पत्नी ऐसे हैं जिनका मन से तो मन नहीं मिलता है, लेकिन क्या वो व्रत नहीं रखती हैं? क्या वो पति के पैर नहीं छूती हैं? और क्या उनका त्योहार पूरा नहीं होता? इनके लेखक को अनुभव ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग ऐसे जोड़े हैं, लेकिन अब हम क्या बताएं, वो कहा गया। और जहां से आप निकलने का प्रयास कर रही थी कि जब तक ना मिले भाई से बहन त्योहार अधूरा रहता है, ये आ रहा देखो। यही दादागिरी थी, मैंने कहा था क्रांति जी मैंने तुम्हारे लिए जगह छोड़ी। ये इनको तो अनुभव है। और आप जानती थी बहुत अनुभव, क्योंकि आप जानती थी कि मैं ये भी कटपीठ बोलता हूँ लेकिन मैंने जान बूझ के ये छोड़ दिया था कि ये दादा की दादागिरी ही तो है। ये वरना वरना जवाबी में प्रतिद्वंदिता में कौन किसके लिए जगह छोड़ता है, लेकिन ये दादा की दादागिरी है। लेकिन आप नहीं चलने दोगी, न चलने दो भाई, तुम्हारा शासन है। ये राहुल भैया आज कहीं चले जाना, पैर छुआ लेना, कहीं चले जाना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। हम भी जाएंगे पैर छुआने। चूरा खोटी हम लाई कर दे आए। बहुत बढ़िया जवाब आया मेरे गीत का। एक बात और, पहले कटपीस देखते हैं। आपने कहा कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, कटपीस आ गई है। आपने बताया घी और शहद मिला खाने से, अरे घी और शहद मिला खाने से मानव मृत बन जाता है, और दूध दही शक्कर को मिला तो अमृत बन जाता है। दूध दही शक्कर तीनों मिला के खा लो, फिर कभी मरोगे नहीं आप। और क्या अमृत। वाह और पांचों को अगर एक किया तो पंचामृत बन जाता है,
और यदि प्रभु जी को नहला के पियो तो चरणामृत बन जाता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सलाह देते हैं दादा होने के नाते कि जब सवेरे या रात में जब व्रत टूटे तो पहले दूध दही और शक्कर मिला के खा लेना ताकि हमेशा के लिए अमर हो जाओ। नहीं, व्रत नहीं टूटेगा। जी हाँ, दोनों दो खा लेना, दोनों अमर हो जाओगे। हाँ, जोड़ी अमर रहे, बनी रहे जोड़ी। बहुत कठिन कठपीस, लेकिन प्रयास देखिए। हाँ, वो कैसे बीड़ी पी रहा है क्या सालू भाई, एक बीड़ी में दो लोग। मैं क्या ला रहा हूं कि चल अचल संपत्ति ही तो मनुष्य से जुड़ी हुई बात है, मानव से जुड़ी हुई बात है, तो कठपीस का जवाब भी क्रांति जी मानव से ही जुड़ा हुआ है, हमसे आपसे ही जुड़ा हुआ है। देखिए आप, मानव चल अचल संपत्ति ही तो भौतिक धन कहलाता है। भौतिक है चल यानी ये संपत्ति, अचल संपत्ति जिसको जमीन कहते हैं, चल अचल संपत्ति ही तो भौतिक धन कहलाता है। अरे लोन तेल लकड़ी ही जीवन में साधन कहलाता है। लोन तेल लकड़ी, हाँ यही जिंदगी जकड़ी। बिल्कुल, चल अचल संपत्ति ही तो भौतिक धन कहलाता है। अरे लोन तेल लकड़ी ही जीवन में साधन कहलाता है। और चार पदार्थ जिससे मिले वो आराधन कहलाता है। चार पदार्थ कौन कौन, छुपा कुछ नहीं रहा हूं क्रांति, चार पदार्थ कौन कौन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार पदार्थ जिससे मिले वो आराधन कहलाता है। और पांच तत्व के तन का मालिक जीवन धन कहलाता है। ऐसी गिनतियां लगाई, बिल्कुल पांच तक, बिल्कुल पंचामृत तक आप रहे, पांच ही तक हम फिर आए क्रांति। अरे चल अचल संपत्ति ही तो भौतिक धन कहलाता है। लोन तेल लकड़ी ही जीवन में साधन कहलाता है। और चार पदार्थ किससे मिले वो आराधन कहलाता है। अरे पांच तत्व के तन का मालिक ये, पांच तत्व के तन का मालिक जीवन धन कहलाता है। ये आप सुथरा, बहुत धन्यवाद बता रहे हैं।
ये इनका माइक धीरे करो, बहुत देर।